बे प्रगति पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया, जिसमें बेगम हजरत महल पार्क में विनोद कुमार सिंह की अगुवाई में इग्नू की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मनोरमा सिंह, उप निदेशक पर्यावरण निदेशालय श्रुति शुक्ला, एलडीए के उद्यान विभाग के प्रभारी बाघेल और एनबी सिंह, सीमा सिंह, अरुण सिंह, कृष्णानंद राय सहित अन्य पर्यावरणविदों ने 101 औषधि एवं फलदार पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही नाबार्ड के मुख्य जीएम एस के डोरा, विनोद कुमार सिंह, वाइल्ड लाइफ के डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, एनबी सिंह, प्रिया पाल सहित सदस्यों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। आए हुए अतिथियों ने स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया। इस अवसर पर बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता, स्लोगन पर्यावरण संरक्षण पर आधारित चर्चा, परिचर्चा, काव्य गोष्ठी, फैशन शो, नाटक, मैजिक एवं कठपुतली नाटकों के प्रदर्शन के जरिए भी लोगों को प्रकृति की बचाने को और पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का संचालन इग्नू के डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह और धन्यवाद ज्ञापन पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने दिया, जिसकी काफी सराहना की जा रही है।